गणेशोत्सव पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने देश प्रदेश में रहने वाले हिंदुओं को गणेशोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, गणेश जी सुख समृद्धि वैभव की कृपा बरसाते रहें। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश प्रदेश में रहने वाले सनातनियों को गणेशोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि गणेश जी आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि वैभव की कृपा करें। उन्होंने कहा कि गणेशोत्सव हम सभी भारतवासियों को शक्ति प्रदान करे, ताकि हम सब मिलकर भारत माता को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली एवं भारत माँ को विश्वगुरु बना सके। भगवान श्री गणेश के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे देश और विश्व में जहां भी हिंदू निवास करता है, वो अपने प्रिय भगवान गणेश जी, क्योंकि सबसे पहले पूजन गणेश जी का होता है, गणेश जी सुख समृद्धि और खुशहाली के दाता है। मैं गणेश चतुर्थी की एक बार पुनः आप सबको शुभकामनाएं बधाई देता हूं। आज सब जगह गणेश जी विराजमान होंगे 10 दिन के लिए, और अनंत चतुर्थ को गणेश जी का विसर्जन होगा। इस गणेश उत्सव की आप सबको बधाई शुभकामनाएं, और भगवान श्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम करता हूं हुए ये प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमें वो शक्ति दे सबको, हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को, कि हम भारत माता को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाकर, और हमें वो शक्ति दे कि मध्य प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हम हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर एक राष्ट्र बना सके, भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचा सके, और सबको सुख समृद्धि खुशहाली दे, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कमल की तरह खिलते रहे और कमल खिलाते रहे। नमस्कार। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements. Atal Incubation Center for nurturing startups. Industry Academia collaboration for exposure of real industry world. 20 centers of excellence for research. Saathi Global Festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।